नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नरेश कुमार। साथियों, अभी बरवाड़ा के बीडीओ ऑफिस के अंदर मौजूद है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि गांव बालक से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ वो पूरा मामला है, उन सभी से हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आज बीडीओ ऑफिस में इनका आने का क्या कुछ कारण है। मेरे साथ अभी बालक गांव से एक युवक है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मंजीत सिंह सर। क्या कुछ पूरा मामला है, आने की कोशिश की? मामला ये है सर, जो मनरेगा मजदूर है वहाँ पे दो पार्टी काम करती है और यहाँ पे जो अधिकारी है ना, तो वो हमारी सुनवाई करते और अपनी मनमर्जी से वो काम करते हैं। और इन मजदूरों की जो पिछली इनने काम करके ना तो वो पेमेंट आई और ना आगे का काम ये सेंशन कर रहे हैं। जो ये आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मनरेगा का जो कार्यक्रम है उसको लेकर करें? यस सर जी। और इनके जो जॉब कार्ड है ना, उनसे ही पैसे ले रहे हैं। अभी 200-200 रुपए पर कैंडिडेट के पैसे ले रहे जॉब कार्ड के, और इन पे प्रेशर और इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं वहाँ पे काम। कौन ले रहा है पैसे, कौन ले रहा है? जो वो दूसरी पार्टी के जो मेट है वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं बरवाड़ा वीडियो ब्लॉक में, वो ले रहे हैं। तो फिर पैसे जो ले रहा है वो वीडियो ब्लॉक के अधिकारी ले रहे हैं या जो अदर पार्टी जो मेट है वो ले रहे हैं? ये बात वो मेट कह रहे हैं कि वो हमारे से वो पैसे लेते हैं, या तो वो ले रहे हैं या यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं, वो तो खुद जाने में जी कौन ले रहा है। तो अभी फिर आपकी क्या कुछ मांग है यहाँ पर आने का, आपका उद्देश्य क्या है? हमारी मांग ये जी, हमारा जो मिस्टोल निकाला था वो 7 दिन का निकला था, उसमें एक छुट्टी हो गई, 3 दिन हमारे को काम मिला है। ये 3 दिन मजदूरी कहाँ जाए, और जो दूसरी पार्टी है ना उनको भी वही काम दे दिया जो हमको पहले जो काम दे रखा था। या तो उनको अलग काम दे, हमको अलग काम दे, हमारी तो यही मांग है। और यहाँ पे जो अधिकारी है बलजीत, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हमारे मजदूर के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। यानी कि आपका कहना ये है कि हमें काम नहीं दे करके दूसरी पार्टी को काम दे देते हैं? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि उनको काम नहीं दे, उनको काम दे, हमसे अलग काम दे, हमारा अलग काम करेंगे, वो अपना अलग काम करेंगे। जी जी सर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि हमें काम ना दे करके दूसरी जो मेट है दूसरे उनको काम दे दिया जाता है, लेकिन जब हम काम मांगते हैं तो हमसे पैसे वगैरह मांग लिए जाते हैं। हमारे जॉब कार्ड वगैरह बनवाने के लिए 200 रुपए प्रति जॉब कार्ड के मांगे जाते हैं। बंद करो, जिंदाबाद नरेगा यूनियन, जिंदाबाद नरेगा यूनियन, जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँ जी, जो भ्रष्टाचार हो रहा है जी मेरे गांव में, ये बंद होना चाहिए जी। किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार एक तो जी, कैंडिडेट जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उसके हाजरी काटी जाओ है, और एक तीन मिस्टोल हमारे पैसे नहीं आ रहे अब तक। वो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 3 मिस्टोल के पैसे नहीं आए, वो काम आपने कब कितने दिन पहले किया था? वो करा था जी 6 महीना में करे था सर जी, 1 मिस्टोल तो 1/7 माह का यार, 1/8 माह का जी। यानी कि लगभग 2-3 महीने का जो काम है उसका पैसा आपके पास नहीं है? नहीं आया जी। और ऑब्जेक्शन लग रहा आग ना लग रहा पता नहीं जी, मैं आज वो भी पूछना आ रहा। किस प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाया? ऑब्जेक्शन बताया नहीं जी, वैष्णो बोला तो ऑब्जेक्शन लग रहा है, इसकी हाजरी ना लगाई हो। काम देने के बारे में अधिकारियों से बात हुई आपकी? हाँ जी, अधिकारियों से अगर बात हुई है तो क्या कह रहे अधिकारी काम देने के बारे? काम देने के लिए तो गप हुई थी जी, एक बार माँ जी टाइट माटी की ये भी दी थे, बोले ये तो ऐसे चलेगा। क्या मामला? ये मामला जी हमारा, हमें काम करा है 7 दिन का मिस्टोल लिया है, 7 दिन में मामले 3 दिन का काम दे हुए हैं, और बाकी ले और दूसरी बहसबाजी में कुछ से यू काम। कई बार ऐसा होता है कि कोई आया ना हो और जान पहचान का हो, उसकी हाजिरी भी लग जाती है क्या? हाँ जी, सारे काम हुए जी, सब कुछ हुआ जी, फर्जी हाजिरी भी लग रही है, और जो मेट से जी वो आंधे को नहीं, जो उनको नीचे है नहीं, वो हमारे ऊपर पूरा दबाव गिरने लगे जी। इस प्रकार का जी काम तो जी हमें 3 बजे तक मिलना चाहिए जी, 6 बजे तक हमारे पे काम करवाओ। कहाँ से आए जी? बालक। क्या समस्या है? समस्या यह है दिहाड़ी ला रहा कि जो सुबह पैसे नहीं आ रहे कुछ भी, और फिर काम करा तो एक आदमी ने दो आदमी काम दे, फिर घर बैठे के भी दिहाड़ी लावा, मारे पीछे तो मिलते कौन, उनके पीछे बड़े मिल जाए। यानी कि जो काम करते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, जो घर पे बैठे हैं उनको पैसे मिले हैं। क्या कारण है ये, इस आरोपी किसको मानते हो? वो तो मेट साहब, मेरा नाम भी मिला है जी, हम काम कर रहे हैं जी, शुरू में जोड़ खोदे है, 10 दिहाड़ी मेरी आई नहीं है, 3 दिहाड़ी मेरी काट रखी ही बनी, मैं जो 3 मिस्टोल हुए हैं उनमें एक एक दिहाड़ी काट रखी जी, 2 काट रखी है आग जोड़ खोदे, उसमें 16 दिहाड़ी जा रही है जी मेरी, उनका कोई आबगब नहीं है।
जॉब कार्ड के 200 रुपए मांगे जाते हैं, क्या आपसे भी लिए गए? नहीं जी, आप कौन लिए? तो किससे लिए गए? मेरा नाम कृष्णा है जी, ना तो मेरा घर वाला है ना मेरा लड़का है, और मेरे पास जॉब कार्ड के 30 मांगे 200 रुपए। किसने मांगे? इस मनीष ने कान मांगे है जी, और कुलदीप है, तीनों आपका घर, उनका घर थे, उनका घर आ गई कई दिन, तो मेरा नाम नहीं लिखा जी। फिर मैं आंट फिर के कड़ा बोला तो पीछे तो बोला पहला तो पंचायत के काम था यो, अरे बोला सह बोला सरकार काम सरकार, हाँ बोला सरकार ने पीछे देने पड़े है जी, ना तो जी मैंने दाने बेच के जब मैंने पीछे दिए उड़ जाके ना, ये मैं मेरी लड़की छोटी छोटी लड़कियां फोन जॉब कार्ड के रखिए दूँ। तो अभी आपका जॉब कार्ड बन गया? नहीं जी, नहीं मेरे पास जॉब कार्ड दिया, यानी कि पैसे देने के बावजूद भी आपका काम ना जी नहीं बनया है। फ्री पे 200 रुपए ले रखे जी। क्या नाम है जी? कृष्णा है जी। अच्छा, किसने मांगे? कुलदीप ने मांगे जी। कुलदीप कौन है? कुलदीप नेट है जी। मनीष ने मांगे जी, हाँ 15 दिहाड़ी है जी, उनके पैसे नहीं गिरवा रखे, कमा हजे उन्होंने कह रहे हैं जी बरवाला जाओ। अच्छा, आपने पैसे दे दिए? हाँ, जॉब कार्ड के दे रखे जी मैंने। जॉब कार्ड आपका आ गया है? ना नहीं दिया जी। यानी कि पैसे देने के बावजूद भी आपका जॉब कार्ड नहीं? नहीं दिया जी। बालक से मेरी घरवाली गई थी, बोले 200 रुपए लगे भाई जॉब कार्ड, और जी जॉब कार्ड है भी रहा है, बड़ कह रहा 200 रुपए लगे है। मेरी घरवाली गई थी, मैं तो नाटू भी था, माई तो फर्री हो है, उन्होंने बोले भाई 200 रुपए लगे, ये जो मनीष है जी इसने लिए है, आप काम चल जाएगा आपका, और बोला जी 200 रुपए लगी, मेरी घरवाली गई थी। तो जो कार्ड आपको दे दिया गया है? हाँ दे दिया जी अपना। मेरी ये समस्या है जी, 25 दिन के तो पैसे नहीं आए जी, यहाँ भी आए थे जी वीडियो ब्लॉक में, इनने भी ये बात कही, सारे पैसे आ रहे तेरे, कोई पैसा नहीं रुक रहा, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया जी, इनको कहो तो कहते कॉपी पूरी करके लिया के दो, कॉपी पूरी करके लिया के दे, जो सबके खाते में पैसे रहते हैं जी, रहते हैं, जरूरत पड़े तो निकालते भी है, निकलोगे ये कडवा रखे, ये कडवा रखे, पैसे ये नहीं गिरवाते जी। नहीं, आपने बैंक में अपना अकाउंट वगैरह चेक करवाया है? हाँ जी, चेक करवाया, कॉपी पूरी करवाई है। बलजीत की बदली हो जाए, नहीं जी हमारा काम सही चले जाए, बलजीत कर रहा जी सारा काम। कौन है ये बलजीत? बलजीत है, कंप्यूटर में बैठा जी, नहीं तो पता नहीं कौन सी ऑपरेटर, पता नहीं जी कंप्यूटर ऑपरेटर, उसने कहा जॉब कार्ड दो जी, ये बोले कि ना जॉब कार्ड कहते हैं ऑफिस में पड़े हैं, ऑफिस वाले कहते हैं जो हमारे पास काम, हम काम करते हैं वही उनको काम देता जी। 17 दिन की तो दिहाड़ी रुक रही जी, जी और फिर ना जी काम ढंग से दें दे जी, काम में कितना पूरा कर लूँ जी, उसने कदम कम माटी जा रही, 50 मन माटी जा रही, 40 मन माटी, कदम मेरा काम पूरा नहीं जी, मेरी समस्या आया जी। मुझको काला भी कहता है, मनीष भी कवा है, मेट भी, मेट तो आंदा कौन जी, मनीष पर ना गड़ा हो जी, कवा नहीं काम को नहीं पूरा हो रहा, वो मेट तो मेट कौन है आपका? मेट कुलदीप था जी। समस्या क्या है? समस्या यह है जिस स्त्रियां यो पहला हमने डा जो कार्ड मेरा और आगे नाम को नहीं आया था, फिर दादी बोला 200 रुपये लगेंगे और तेरा नाम आवागा, वह हम किस चीज के बोले आगे सरकार ले रहा है, हम अगर फनी रख दे, यानी जॉब कार्ड के नाम से आपके 200 रुपए दे रखे हैं, तो अभी आपने दे दिए? फिर उसी टाइम पे देने पड़े। और जॉब कार्ड आपका आ गया? घर अंदर था पहले का, आज से पांच पास रखा था उनके पास, नहीं मेरे पास आज से 5 साल पहला का है, यानी पुराना जॉब कार्ड था। हाँ, और नया नहीं लेके दिया उनकी, वो बोलते हैं जी हम पैसे दे के काम पास करवाते हैं, पैसे देते हैं हम काम करवाएंगे आपके, आपसे किसको देते हैं पैसे, किसको देते हैं? वीडियो पे कहीं पर भी देते जी, हम हमारे को नहीं पता ऑफिस में पैसे देते हो या ऊपर देते हो, वो बोलते हैं जी, वो बोलते हैं जी हम पैसे दे के काम पास करवाते हैं। रमेश सिंह बोल रहे हैं जी बालक से जी, ये जो सुनील अर्रा किस्मेट है, हम उनकी उसमें काम कर रहे हैं, हमारे साथ ये कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रही जी, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और साफ सभी से काम कर रही जी। ये 2 मीटर बनाए गए हैं, इनसे आप संतुष्ट हो या नहीं? इन तो हमें सभी संतुष्ट हैं जी, जो राकेश सर ये सुनील मेट बनाए, इनके साथ हमें काम करने में संतुष्टि जी हमारी, और तय दिल से काम करेंगे, जिस चीज की मदद मिलेगी जरूर देंगे जी। दोस्तों अभी हमने बलजीत बिहान को नंबर फोन पर लाया है, मैडम आप तो बैठो, बलजीत बयान को अभी फोन मिला रहे हैं। जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, फोन कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक बार फिर प्रयास करें। मैं दोबारा प्रयास करता हूँ, मैंने दोबारा नंबर मिलाया है।
कोई जवाब नहीं है अभी तक जी। क्या नाम है जी आपका? निशा। आपके साथ जो अधिकारी है बलजीत जी, वो कितने समय से बैठते हैं और कितने बजे तक बैठते हैं? सर मैं यहाँ 10 बजे आती हूँ, 2 बजे चली जाती हूँ सर। कई बार वो मेरे आने से पहले मिल जाते हैं, कई बार वो मेरे आने के बाद आते हैं। अभी आइए, कितने बजे तक यहाँ बैठे थे सर? आज वो लेट ही आए थे सर। लेट आए थे और अभी कितने देर पहले यहाँ से जा चुके हैं सर? वो हो गया 20-25 मिनट। यहाँ पे तो क्या किसी को बोल के गए हैं या कैसे? यही है अभी। देखिए अभी फोन भी किया था इन लोगों ने, फोन भी नहीं उठाया, क्या कारण रहा होगा? आपने भी कॉल की थी, आपके नंबर से भी कॉल क्यों नहीं उठाया? सर मेरा नंबर सेव नहीं, अभी 2-3 दिन में मुझे काम करते हैं। ये खाली ये टाइम है, अधिकारी अपनी सीट पे नहीं है। किसी ने मेरे पास फोन करे तो हमारी नंबर एक मिनट अरे सुन तो ले, कोई बात नहीं तो करेगा तो सुना दे मुझे। बात सुन ले, बात सुन ले पूरी। भाई मेरे पास में किसी ने मेरे ना फोन करे, भाई हमारे यहाँ तकलीफ है, मैं तो कुदरती काम चेक करने के लिए गया था, वहाँ जाने के बाद तेरे से बात हुई और दूसरी लेबर कहाँ लग रही है? बोले जी तो ब्लॉक में चले गए। सुनो बात, सुनो भाई, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। मैं तेरा काम में देखने गया था भाई, तुम को किस तरह काम चल रहा है, कैसे चल रहे है, काम को देखना ही पड़ता है। जो काम चलेंगे किसी ने भी कोई तकलीफ हो दुख हो तो आप सरी में बात भी करी जा सके, मेट के माध्यम से भी हो सकती है, सेक्रेटरी के माध्यम से भी हो सकती है, किसी ने ना आप बता भी सका भाई हमारा यह तकलीफ है तो बतानी तो पड़ेगी। आप कौन पड़ा है तो आपने ना किसी प्रकार की दिक्कत है तो पहले मेरे पास फ़ोन करना चाहिए या बीडीओ साहब के पास फोन। बीडी बंद कर दे भाई, बीडी पब्लिक में नहीं पीने किसी ने। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप लोगों को जब ज़रूरत है तो आपकी तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ की तो आप हमने ये बताओ जी, हमने यह दिक्कत है, हमारा काम को नहीं मिला हमने, या हमने काम ज़्यादा मिल रहा है, या हमारा किसी नंबर स्टॉल खोस लिया, या हमारी हाजिरी को लगने लग रही। देखो वो चीज़ तो हम चेक करें। बारह गाँव के लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसमें क्या मामला है जो आज उनको आपके पास आना था? ऐसा था जी, जो बालक गांव में 2 कामों के सेंक्शन हुई है, जिसमें नंबर एक गोली जोड़ी एक के नाम से कोई तालाब है और दूसरी शमशान घाटों का काम था, तो जो तालाब की स्थिति थी उसमें थोड़ा सा पानी की वजह से वहाँ कार्य नहीं हो सकता, इसलिए जो हमने इसका मसूल निकाला है ये इसका शमशान घाट का मसूल निकालने के बाद इनकी पहले हमारी ये बात हुई थी कि एक लेबर को उसमें काम दिया जाए, दूसरी लेबर को शमशान घाट में काम दिया जाए। तो बाद में उसकी पोजीशन को देखते हुए भाई इनको भी कार्य दिया जाए, तो इनमें से ही दूसरे मेटों में भी ये कहा भाई हमें भी काम दिया जाए, तो दूसरा मसूल निकाल दिया गया था जिसमें मैंडेज कम होने के कारण इनका आपस में ये हो गया कि भाई हमने काम कम मिला है और उनको ज़्यादा काम मिला है। तो मनरेगा में थोड़ा सा ये चल रहा है कि अभी जितने भी हमारे और संगठन है हमने इनको 100 दिन के जो गारंटी दी है काम की, तो हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, और जो हमारे सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी जो जिला से सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट तैयार होता है हमारे खंड से हम तैयार करके भेजते हैं, अपना गांव का सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट है उसमें से हम इनको काम निकालेंगे, कुछ लाइन डिपार्टमेंट के काम भी लेके उनको हम 100 दिन का काम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें यह है कि मजदूरों ने मेटों ने आपस में मेटों को पैसे दिए, कोई 100-200 रुपये का मैटर है, तो उस चीज़ की कार के लिए वो 200 रुपये मांगे गए, वो क्या मामला है? अभी तक देखो उन लोगों से बात नहीं हुई, ठीक है इनकी एप्लीकेशन आ गई है, इसके ऊपर हम गौर करेंगे, मैं बी डी ओ साहब के संज्ञान में भी कराऊंगा, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी कराऊंगा, और जो भी मेट 200 रुपये लेता हुआ है या किसी प्रकार की करता हुआ पाया गया है उसको अगर इनके पास सही तथ्य है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आरोप और लगा रहे हैं कि जब हम काम लेके आते हैं तो
ऊपर अधिकारियों को पैसे देके तब हम काम लेके आते हैं, ये क्या मामला है? ऐसा है, मेरी ये कोई संज्ञान में नहीं है, मैं हमारा ये कोई मेरी फिदलत रही आज तक की रिकॉर्ड रहा है मेरा, मैंने कभी किसी से 5 रुपए की बात नहीं करी, नहीं हमारी है, हमारी जो ठीक है सैलरी से हम अपना काम करते हैं और मेरा जो काम करने का है वो अलग तरीका है और किसी अलग रहेगा। कोई भी आदमी मेरे को ये कह सकता है कि मैंने आपको 5 रुपये दिए एक मस्टोल का तौर पर या किसी उस चीज़ का तौर पर, तो उसका मैं समझ में मारूँ। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? और मैं तो यही कहता हूँ कि ये बात हमारा जो ये मामला जो संज्ञान में आया है इसको अच्छी तरह से निपटाएंगे। मेन जो टारगेट है मेरा, जो मेरी ड्यूटी है, मैंने खंड बरवाड़ा के लोगों को 100 दिन की गारंटी का ही मेरा लक्ष्य रहता है पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले उकलाना भी रहा, उकलाना में मैंने उकलाना ब्लॉक को टॉप में रखा था, अब की बार थोड़ा सा हमारे कुछ लाइन डिपार्टमेंट के काम अभी अधूरे हैं, वो पूरे पहुँच नहीं पाए हैं, तो मैं इसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इस ब्लॉक को भी अच्छी तरह करें।